बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं सिखाऊंगी कि एक सिलाई के साथ चाक और दामन कैसे फोल्ड करते हैं। तो ये मैंने कमीज़ का दामन बिछा लिया है, कमीज़ की फिटिंग कर ली है मैंने, और हेप्स की जो चौड़ाई दिखा रही हूँ आपको वो 25 इंच है, दामन की जो चौड़ाई है वो 26 इंच है। तो 1.5 इंच का मार्जिन मैं लूँगी, ये 3 इंच एक्स्ट्रा है। असल जो फोल्ड होने के बाद जो दामन बचेगा वो 23 इंच है। तो मैं 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ यहाँ से, और जहाँ तक हिप्स की सिलाई ख़त्म होती है तो वहीं से मैं लंबा खींचते हुए निशान लगाऊंगी। इसी तरह मैं दूसरी साइड पर 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगाऊंगी। तो ये 3 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो यहीं पर ख़त्म होगा, अब बाकी जो दामन बचेगा वो 23 इंच का होगा। तो दामन भी मैं 1 इंच फोल्ड करूँगी। तो दामन काटते हुए अक्सर ऊंचे नीचे हो जाते हैं, तो इसलिए सीधा मैं रखूँगी इंच टेप। इस तरह आपके पास स्केल होगा तो स्केल रख लें, जो भी चौड़ाई लंबाई होगी वो सारी इसमें आ जाएगी। अब ये सारा सीधा करूँगी निशान। निशान सीधा करते हुए आप चाहे तो यहाँ पर इस्त्री कर सकते हैं, ये दिखा रही हूँ मैं 23 इंच का निशान, या आप ये दामन 23 इंच का है तो आप चाहें तो यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं इस्त्री से। मैं सिर्फ निशान लगाऊंगी यहाँ पर, दोनों तरफ से निशान लगाऊंगी। अब जो ये चकोर बॉक्स बना हुआ है इसी के साइड में मैं क्रॉस में निशान लगाऊंगी, और फुल क्रॉस नहीं लगाना, आधा इंच तक फोल्ड करना है। ये यहाँ से फोल्ड होकर दूसरी तरफ भी फोल्ड होकर जो कपड़ा बचेगा वहाँ तक निशान लगाना है। कमीज़ में चारों तरफ इसी तरह का बॉक्स बनाकर निशान लगाना होता है। आधा इंच का मैंने कपड़ा छोड़ लिया है, ये देखिए सिर्फ बीच में ही मैं कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। अब दामन के दूसरे कोने पर भी इसी तरह सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए इतना कपड़ा फोल्ड करके बाकी जो बचेगा उसके दरमियान में सिलाई लगाऊंगी। ये निशान लगाना है फिलहाल, बाद में सिलाई होगी। तो इस तरह मैंने फोल्ड कर लिया है, अब नाखून की मदद से इसको क्रीज बना रही हूँ। आप चाहे तो इस्त्री भी कर सकते हैं। बनाने के बाद इस तरह इसको फोल्ड करना है, दोनों कोनों को इस तरह से फोल्ड करना है और मज़बूत सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर छोटे बखिए के साथ सिलाई लगानी होती है। ये देखिए मैं निशान लगा रही हूँ। अब जो निशान है उसी तरफ से मैं सिलाई शुरू करूंगी, जहाँ से हिस्सा खोला हुआ है वहाँ से शुरू नहीं करूंगी। ये देखिए सिलाई भी मैंने जैसे चाक पर निशान था वैसे ही लगाया है। आप इसमें डबल या ट्रिपल सिलाई कर सकते हैं या छोटा बखिया रख सकते हैं। ये देखिए अब दूसरी तरफ में मैं लगा रही हूँ सिलाई, चारों कोनों में दामन और चाक में इस तरह लगा लेनी है सिलाई। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। अब ये दोनों सिरे हो गए हैं, इसको मैंने सीधा कर लिया है कैंची की नोक की मदद से। दूसरे को मैं आपको करके दिखा रही हूँ। पहले जो हिस्सा था वह उसको काट लेना है, जो एक्स्ट्रा भी मार्जिन था उसको रहना नहीं चाहिए, उसको काट लेना चाहिए। अब इसको मैं सीधा करूँगी, देखिए इसका कोना खुद ब खुद बन गया है, और कैंची की मदद से मैंने सीधा कर लिया है इसको। अब जो कपड़ा बचा हुआ था जहाँ पर मैंने चाक का निशान भी नहीं लगाया था और सिलाई भी नहीं लगाई थी, उस हिस्से को फोल्ड करते हुए मैं इस्त्री कर लूँगी। इस्त्री आपको जमा कर करनी होगी ताकि ये कपड़ा बैठ जाए। चाहे तो पहले आप इस्त्री कर ले जब निशान लगा रहे होते हैं चाक से, या तो फिर बाद में करनी होती है जैसे मैं कर रही हूँ अभी। पहले सिंगल फोल्ड करना है, सिंगल फोल्ड करने के बाद जो भी हिस्सा बचा था हमारा, जहाँ पे हमने चौक का निशान भी नहीं लगाया था और सिलाई भी नहीं लगाई थी, तो उस वो हिस्से को मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी आपका सफाई के साथ एक सिलाई में चाक और दामन अटैच हो जाएंगी। इसके चाक और दामन फोल्ड करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, इंशाल्लाह सारे तरीके मैं शेयर करूँगी आपसे।
और यह मैंने सिलाई शुरू की। अभी सिर्फ मैं आगे का दामन करके दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि अगर चारों कोने में बनाना सिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। सिर्फ एक दामन पे मैंने करके दिखाया है। अब ये एक ही सिलाई है, एक ही सिलाई के साथ आपको ये चार दामन फोल्ड मिलेंगे। इसमें कोई मेहनत नहीं, उतनी ही मेहनत है जितनी उसमें लगती है, लेकिन इसका काम सफाई से होता है। अब हमें किनारे की सिलाई लगानी नहीं होगी। सिर्फ ये अगर चार इसे आप फोल्ड करते हैं चार कोने, तो हमें एक ही सिलाई के साथ ये चाक दामन रेडी मिलेंगे। वैसे भी जब आप रेडीमेड कमीज लाते हैं, कुर्तियाँ लाते हैं, तो उनमें भी एक सिंगल सिलाई लगी होती है। वो सेम इसी तरह की लगी होती है, क्योंकि आमतौर पर घर में पहनने वाले कपड़ों की इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल सिंपल से सादे से कपड़े होते हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाएं, तो हम इस तरीक़ों का अपनाना होगा कि ये तरीका बहुत ही अच्छा है। अब ये दबा कर दोबारा से अगर हमने इस्त्री कर लिया इसको, तो इसकी फिनिशिंग जो होगी वो धुलने के बाद भी ख़राब नहीं होगी। जैसे धुलने के बाद चाक फोल्ड हो जाते हैं, दामन मुड़ जाता है, तो वैसे नहीं होगा। ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। यहाँ पर मैं सिलाई ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैं एक ही दामन फोल्ड करके दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से कोने बने हैं एक ही सिलाई के साथ। ये देखिए, अब कोना पक्का करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही हो गए हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये तरीका कैसा लगा।